मोदी और योगी को ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अखिलेश यादव कैसे हैं? अरे अखिलेश की तो बात ही मत करो, मैं तो बहुत ही बेकार लगते हैं वो। योगी और योगी नहीं आया तो फिर दोबारा और बदमाशी शुरू हो जाएगी। अब वो ये कि दो खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो एक तो जीतेगा दूसरा हारेगा भाई। प्रियंका का हाल है कैसा? हाल तो भैया उसका हाल वही जाना के अंदर, कमर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। अखिलेश यादव ने क्या कर दिया था? लेडीजों के पीछे गुंडे दौड़ा दिए थे। अखिलेश यादव ने अच्छा काम कर दिया था कि लेडीजों के पीछे गुंडे दौड़ा दिए थे। और योगी ने क्या कर दिया? उनको गोली से उड़वा के एक तरफ करा दिया। मायावती कहाँ है? मायावती तो बेचारी अभी इंग्लैंड में बाल कटवाने गई होगी। बाल कटवाने। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? नहीं भैया वो सही नहीं है, मोदी सही है, योगी सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आगरा में, और आगरा में एक ऐसी बस्ती में जहाँ पर वाकई पूछना चाहिए कि इनके दिल में क्या है। महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछना चाहिए। जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि योगी सरकार ने वाकई महिलाओं की स्थिति बहुत सुधार दी, सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ किया, लेकिन वाकई वो जमीनी हकीकत पर वादे और दावे कितने कारगर साबित हुए वो तो जनता ही बताएगी, खासकर महिलाएं बताएंगी। एक बार सभी जोरदार तालियों स्वागत करें। ये तालियों के गड़गड़ाहट और शुरुआत होता है प्रोग्राम, तो सबसे पहले आपके पास चलता हूं मैं। तो माहौल क्या लग रहा है इस बार? मोदी और योगी को ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों आना चाहिए? काम तो कुछ नहीं। अरे काम दिखाना थोड़ी नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। हाँ, जरूरी है कि मेरी जरूरत ही पूरी होगी, मेरी जरूरत ही पूरी होगी। संसार के अंदर बहुत ऐसी चीज है जो उन्होंने की है भाई, मैं तो उनके समर्थन में हूँ, मेरा वोट उन्हीं को ही जाएगा। और फायदा मिला ही नहीं मिला? मैं क्या बोल रही हूँ, फायदा मुझे मेरी मेहनत से मिलेगा, ना कि किसी के घर की धन दौलत से मिलेगा, ठीक है कि नहीं? जनता को राशन पानी जो इतना सारा बोल सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, और मेरे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, तब भी मैं उनके समर्थन में हूँ। क्यों? मुझे नहीं तो किसी और को तो सहायता मिल ही रही है ना। फिर लेकिन ये प्रियंका दीदी क्या कहती हैं? प्रियंका दीदी, अब मैं उनके बारे में क्यों बुराई करूँ, किसी जमाने में वो भी बहुत अच्छे थे, किसी टाइम में वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन अब वो ये कि दो खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो एक तो जीतेगा दूसरा हारेगा भाई। प्रियंका का हाल है कैसा? हाल तो भैया उसका हाल वही जाना के अंदर, कमर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। सुरक्षा देंगे महिलाओं को, ये कर देंगे, इतना काम कर देंगे, महिलाओं को सीट देंगे, आ गई तो उनकी भी कहानी देख लेंगे। अभी तो इनकी कहानी देखे, महिला सुरक्षा में चल। कौन लग रहा है आपको? मोदी सरकार। योगी का काम कैसा है? बहुत अच्छा। महिलाएं सुरक्षित है की झूठ चल रहा है? बहुत, ये सच्चे 101% सच्चे। अगर अखिलेश की वो आ गई कौन पार्टी सरकार, तो महिला सबसे ज्यादा आरक्षित सुरक्षा में नहीं रहेंगी, मैं आपको बता दूं। गुंडे दिखेंगे? वो तो है, पहले भी दिखे थे, अब भी दिखेंगे। मतलब सपा की सरकार आते गुंडे सक्रिय हो जाते हैं? वो तो है ही है, ये तो योगी कर, योगी क्या कर देते हैं? योगी क्या कर देते हैं? उनका डंडा इतना भारी है, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा जानते हो, वो सबसे बड़ा है, इसीलिए उनका डंडा जबर है। राम मंदिर बन गया? वो तो है, बहुत चीजें बनी है, ये तो आप सबको ही पता है, मीडिया वालों को भी पता है कि बहुत ही ज्यादा सुविधा हुई है। जिन गरीबों के पास घर के लिए छत के लिए पैसे नहीं थे, देखो छावनी का ऐसा एरिया यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बाकी नगर निगम की जितनी भी जगह है सब जगह 2.5 लाख रुपए में यहाँ मिला है किसी को घर या नहीं? यहाँ नहीं मिला, यहाँ छावनी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ गैस सिलेंडर मिला है महिलाओं को, ये मेरी दौरानी है इनको मिला है, और भी दौरानी है उनको मिला है। फिर भी योगी सरकार को वोट दे रहे हो? तो उन्हीं की वजह से तो मिला है, उन्हीं की तो कह रहे हैं। कुछ राशन मिल रहा है? हाँ राशन मिल रहा है। कितने बार मिलता है राशन? महीने में 2 बार। पानी वानी व्यवस्था ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। और योगी? हिंदुस्तान में गंगा जल आ गई, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ हम काला पानी पीते थे, गंदा पानी पीते थे, आज पानी की व्यवस्था पहले से ठीक हो गई, बहुत शुद्ध जल आता है, देखो मैं आपको लाके बिल्कुल दिखाना है ना। बताओ पहले कैसा था पानी? हम तो वोट तो मोदी को ही देंगे। मोदी को या योगी को? योगी को नहीं, मोदी को ही देंगे हम तो। योगी की सरकार है बीजेपी की, ये बताओ बाकी अच्छा क्या लगा? सुरक्षा अच्छी हुई? सब चीज बढ़िया है। गंगा जला रहा है। और पहले कैसी स्थिति थी? काला पानी आता था, पीला बिल्कुल। अखिलेश यादव काला पानी पिला रहे थे? अरे वो कोई भी हो, लेकिन हमें उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, अब बहुत सुविधा है भैया। सुविधा मिल गई है आपको? मिली है सुविधा या झूठ बोल रही है? हमें कहे की सुविधा मिली है, जब तो देखो बत्ती का बिल भी भड़बड़ के पहुँचाए थे, पता नहीं कैसी सुविधा है, परेशान इतना हो रहा। मुझे बताओ राशन मिलता है? 2 टाइम नहीं मिलता। राशन से क्या हो रहा है? 6 किलो चावल दे दिया, 5 किलो गेहूँ दे दिया, सारी सिलेंडर मिला? गैस भी तो अपने पैसे भरवानी पड़ती है, उनके थोड़ी ना घर भर वगैरह कुछ भी नहीं है, जाके देखो कुछ नहीं नहीं है। क्यों जी, क्या लग रही है सरकार वगैरह का माहौल कैसा लगा? मुझे तो बहुत ठीक लग रहा, मैं तो भैया मोदी और योगी की सरकार की तरफ से बोलूंगी, क्योंकि राशन भी 2 महीने में 2 बार मिल रहा है, और सिलेंडर भी दिया है,
और जो छोटी मोटी सुविधाएं बहुत दी है सरकार ने। कुछ लोग कहते हैं कुछ ना काम कर रहे हैं तो झूठ बोलते हैं, ये सब गलत है। अब मैं तो भैया खुद सुविधा मिल रही है, शौचालय भी उन्होंने शौचालय बनवाने के लिए पैसा दिया। घर भर मिला नहीं मिला? हमारा तो भैया खुद का घर है, शौचालय मिली, शौचालय बनवाने के। पानी की स्थिति सुधरी? बहुत बहुत अच्छा करा। सुरक्षा मामला कैसा है? बहुत अच्छा, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो फिर लाओगे योगी जी को? लाएंगे जरूर। योगी को ही रहेगा और क्या, डेफिनेटली हम योगी को ही वोट देंगे। क्यों दोगे? क्योंकि अच्छा है योगी, इतना सुविधा कर रहा है महिलाओं के लिए, जेंट्सों के लिए, लेडीजों के लिए। आई थिंक वो बहुत परफेक्ट है इंडिया के लिए। सुरक्षा सुरक्षा होती है, कहते बेटियों की सुरक्षा कर दी, आ जाओ थोड़ी सी। बहुत बहुत बहुत। अखिलेश यादव साहब कैसे हैं? अरे अखिलेश की तो बात ही मत करो, मैं तो बहुत ही बेकार लगते हैं वो। कारण क्या है? इधर आ जाओ थोड़ी सी। कारण तो बहुत है, कारण तो बहुत है अखिलेश के। आज से पहले उसने इतना बेकार वो काम करा ना जो आज मोदी जी कर रहे हैं, आज से पहले अखिलेश ने कभी करा ही नहीं है। जब भी देखो अरे ये वो बहुत, वो भी गुंडे घूमते थे पहले गुंडे। हाँ अब तो खैर इतनी सुविधा है कि अब तो नहीं गुंडा गुंडा को। नहीं अब तो लेडीजें भी घूमती हैं अकेली, जो कोई टच नहीं कर सकता है। कुंदन चोर जो थे वो तो भग गए, मैंने तो देखा नहीं है कुंदन चोर। हाँ इस बार किसको देख, पहली बार डालोगी वोट? हाँ कहाँ कहाँ डालोगी? मोदी पे ही मोहर लगेगी, सच में टाइम मोदी को ही देंगे। योगी को ही दोगे? हाँ योगी को ही देंगे। घर वाले किसको वोट दे रहे हैं? हमारी फैमिली तो योगी को ही देती है, मोदी को। हाँ बीजेपी को ही देती है वोट। हमारी पूरी बस्ती एक ही चीज से ज्यादा परेशान है, टोरेंट पावर वालों से। उन्होंने इतना इतना बिल भेजा है, लोगों के घर में चार चार महीने से लाइट नहीं जल रही है। सारी समस्या का सब यहाँ पर एक ही ज्यादा समाधान है कि यहाँ सबसे ज्यादा परेशान लोग लाइट की वजह से है। बिल इतना डबल डबल बिल आ रहा है और 10-10% का उस पर ब्याज लगा के भेज रहे हैं। योगी जी तो कह रहे थे 50% फ्री कर दिया। यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ है, यहाँ बहुत परेशानी है लाइट को लेके, बाकी सारी समस्या सही है, बाकी सब ठीक है। सिर्फ लाइट को लेके बहुत परेशान। राशन मिलता है नहीं मिलता है बताओ? मिलता है राशन, दो टाइम या एक टाइम? नहीं दो टाइम मिलता है, महीने के अंदर दो टाइम। दोनों टाइम मिलता है, पूरा राशन नहीं मिल रहा है। मिलता है मगर पूरा राशन नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिला, किसी को मिला? लॉकडाउन में नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको, पैसा ऐसा कुछ नहीं मिला है। वोट कहाँ दोगे भाई? ना जब हमें राशन खिला रहा है मोदी, तो मोदी को मिलेगा, योगी के और मोदी दोनों, योगी और मोदी को बस, और क्या उसी को काम ना हुआ फिर भी योगी को। आप मेरी बात सुनिए, जब वोटिंग आता तो आप लोग सब आ जाते हो गरीबों के लिए कि भाई चलो भाई गरीबों की बस्ती में, मगर उसके बाद कोई गरीबों को नहीं पूछता है। अभी हम अंदर गए, अंदर से भगा दिया हमें। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं आपसे, हम तो पूछ रहे हैं अपने मतलब के लिए पूछ रहे हैं। वोट क्यों दे फिर भी? वोट फिर भी वोट बीजेपी को, मतलब के लिए पूछा जाए बीजेपी को वोट क्यों दे रहे? फिर कोई नहीं आएगा, फिर कोई नहीं आएगा। हम लोगों की हमारी 60 साल की उम्र है और हमारा वो नहीं बटा अभी तक। हमारी पेंसिल अभी तक 6 बार चक्कर लगाई है हम पेंसिल के चक्कर में। पानी वानी ठीक आ रहा है? पानी वानी आ रहा है मगर पानी का टैक्स तो दे रहे हैं हम, पानी को फ्री में थोड़ी नहीं आ रहा है। आयुष्मान का कार्ड बना तुम्हारा? नहीं बना है। घर बार बना? नहीं बना। घर तो है बुजुर्गों के जमाने का, बुजुर्गों के जमाने का, मगर इस जमाने का सरकार से कुछ नहीं मिला। तुम्हें क्या क्या मिला सरकार से? हमें कुछ नहीं मिला। अभी तो बता रहे थे राशन मिला, राशन मिला, राशन में क्या होता, राशन ही खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे और क्या। वोट कहाँ है? वोट कहाँ है बताओ? वोट मोदी को देंगे फिर दोगे वो योगी को? काम भी मना कर रही हो आप ये कह रही हो काम भी नहीं किया, फिर भी कह रही है बीजेपी। घर मकान के लिए तो पैसा आना चाहिए, घर मकान के लिए तो पैसा आना चाहिए। वो तो रहा है, वो दे रहे हैं वो तो। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। सदर में किसी को पैसा नहीं मिला घर बनाने के लिए। ये कहते हैं हमने तो आवास योजना, तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया घर का? कराया कई बार, हमने फार्म भर के दिया हम लोगों ने घर। देखो पहले किसी कोई कोई इतना गरीब है कि नहीं है किसी के पास, कोई है ऐसा कि सही है घर किसी के पास? पानी वानी बिजली बिजली ठीक मिल रहा है बस, राशन मिलता है, राशन मिल रहा है, टैक्स देते हैं। वोट कहाँ दोगे? मोदी को ही देंगे और कहाँ देंगे? आधी चीज मिल रही है आपको, आधी नहीं मिल रही, फिर भी योगी को वोट क्यों? मैं कह देते हैं घर बनाने के लिए। बताओ ये चोर चकेरी बंद हुई नहीं? डकैती डकाते भैंस घूमते इतना है ही नहीं, वो तो बंद है सब, हो जाएगी ये तो डकैत और ज्यादा हो जाएगी अगर योगी नहीं आए तो। और क्या दोबारा से योगी नहीं आए तो फिर दोबारा और बदमाशी शुरू हो जाएगी। अगर योगी नहीं आए तो और क्या, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव का हिसाब क्या है? अगले हिसाब कोई नहीं है उसका, कोई नहीं है। कहते हम बहुत कुछ करते हैं। अरे कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, गरीबों के लिए बहुत अच्छा। अरे कुछ नहीं कर रहा उसने आज तक कभी जिंदगी में। 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। एक यूनिट भी नहीं, अब कह रहा है ना वो अपने मतलब के लिए कह रहा है, सिर्फ अपने मतलब के लिए कह रहा है।
काट देता बत्ती को तीसरे महीने में, तीसरा महीना हुआ तीसरे महीने काट देते बिजली, 300 यूनिट फ्री दूंगा। अकाउंट में पैसे नहीं आए जो मोदी के राज में आए हैं। तो आपके अकाउंट में कभी आए? एक बार भी नहीं आए भैया। नहीं आए थे, अगले आए थे, हाँ 500 रुपए। कितने महीने आए थे? 3 महीने। 3 महीने तुम्हारे में? हमारे खाते में बिल्कुल नहीं आए। हमारे में 3 महीने। मेरे पे तो कार्ड बने उसके। बताओ इधर आ जाओ बैंक के। ये बताओ कुछ काम हुआ? करती नहीं, कुछ करती सर। वोट कहाँ दोगे? देंगे मोदी को ही, मोदी तो है जो सरकार है। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, मतलब आप जो है वोट बीजेपी को दोगी, योगी को दोगी, कह रहे हो काम भी नहीं हुआ। तो अभी नहीं हो रहा, जब जीतिएगा जब कराएगा, कराएगा तो मोदी। बताओ पानी वानी ठीक है या नहीं? पानी तो सही है, बिजली का 2 टाइम राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? नहीं भैया वो सही नहीं है, मोदी सही है, योगी सही है। सुरक्षा बढ़ी है पहले से? नहीं पहले से नहीं। कितने बजे खुले में घूम जाते हो? जितने बजे जाओ सुरक्षा से। अभी पहले कितना क्या हिसाब? पहले हाँ पहले क्या था? पहले तो वो तो प्रियंका गांधी आ रही है, कह रही है हम तो सुरक्षा बढ़ा देंगे। सब नेता ऐसे ही कहते हैं, करता कोई नहीं है। प्रियंका गांधी को जानते हो आप? प्रियंका गांधी को जानते हो जो कांग्रेस की? नहीं जानती है। क्यों नहीं जानते? सब बहुत जने जानते हैं। बढ़िया है वो, उन्हें लाओगे सरकार? जब उनकी सरकार थी, जब वो अपने लिए सरकार पे अच्छी थी, और जब मोदी की सरकार तो मोदी अच्छा है अपनी यहाँ पे, जिसकी जो सरकार है वो अपनी। तो प्रियंका गांधी अच्छी लगती है आपको? मैंने क्या कहा, मेरी इतनी उम्र नहीं जो उनकी उम्र है। पर मैं एक बात कह, जिनकी सरकार, अगर प्रियंका गांधी की सरकार होती वो अपनी जगह पे अच्छी होती। आज मोदी की सरकार है या योगी की सरकार है तो वो अपनी जगह पे अच्छी, ये अच्छी है ना है, वो वोट कहाँ है? वोट कहाँ है? हमारा तो कहने मतलब ये है, जब तक वोट कहाँ है, हमारी सुविधा, हमारी कमजोरी खत्म नहीं होगी, पहले हमारा वोट नहीं जाएगा। लेकिन अब छोड़ दिया कांग्रेस? क्यों छोड़ा कांग्रेस को? देना छोड़ दिया, जो कोई सुविधा नहीं कर रही है वो कुछ नहीं करते थे, दावे करते थे। हाँ पहले करा था उन्होंने, दावे कर रहे हैं। और घर मकान नहीं है, छावनी के अंदर घर मकान भी तो नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार में क्या अच्छा लगा मुझे बता दो बस, योगी सरकार में क्या अच्छा लगा? सही लगा, राशन पानी सब दे रहा हूँ। राशन पानी, एक मिनट आ जाओ अम्मा। राम राम। ये योगी सर, योगी को जानते हो? जानती भी मैं, देखा था जब पहले बत्ती चल रही थी, जब बत्ती नहीं है। अब मुझे बताओ योगी सरकार में काम इतना कितना अच्छा लगा? सही लगा। गुंडागर्दी? गुंडागिरी खत्म, खत्म है एकदम। और शौचालय वौचालय बने हैं? नहीं बने हैं। पानी वानी ठीक आ रहा है? सही आ रहा है, ये पानी मतलब लेट आता है नल, लेकिन बढ़िया आ रहा है ना पानी, सही आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। मगर अखिलेश यादव का हिसाब क्या है? अखिलेश यादव को जानती हो जो पिछली बार सरकार थी उनकी? मुलायम सिंह, मायावती। मुलायम सिंह, मायावती बेच के गई है वो। हाँ जब तो जो इतनी परेशानी हो रही है, मायावती ने खत्म कर दिया वो तो बेच के गई है, अपना जन्मदिन मनाया था उसने। अपने अपनों को मकान दे दिया, और किसी का कुछ सोचा? मायावती बहन जी ने, उन्होंने क्या हमारे को कुछ मकान? योगी क्या सोचते हैं? ये सही है, मोदी भाई साहब सही है, ये फिर भी सही है। योगी अच्छा काम करते हैं। अच्छा कौवे है क्या? अरुणाचल के बाद बैठ जाएंगे, अभी 10 तारीख तक सबकी उड़ान है, और 10 मार्च के बाद फिर एक रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर सब लोग अंदर घुस जाएंगे। बीजेपी वाले भी ऐसे हैं क्या? ऐसे नहीं है, काम करते हैं, लाइट का सॉल्व करा दे हमारे लिए वो। बाकी और बताओ योगी सरकार में काम कैसा हुआ? सब कुछ सही, कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, जैसा चल रहा है चल रहे हैं। तो और कुछ और किसी को बढ़ाओगे आगे वो उससे खराब कर दे क्या? पर लाइट, लाइट नहीं, लाइट परेशान है हम, लाइट सरकारी करा दो। फिर किसको दोगी वोट? ये बताओ जो आप कहोगे उसको देंगे। तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ काम मोदी ने योगी को, योगी खड़ा है ना योगी, मोदी को देते, किसी को नहीं देते, शुरू से देते आ रहे हैं। कुछ करो ना करो लेकिन देते उसको, काम भी हुआ नहीं। कांग्रेस को देते थे, अब मोदी को देते। मोदी अच्छा क्यों लग रहा है? मोदी गरीबों को दान दे रहा है, लोगों की चूल्हे जला रहा है वो, वो सब कुछ अपने अपनी जगह सब सही है भैया। आपको मिला सिलेंडर, गैस सिलेंडर वगैरह? नहीं हमें कुछ मिले आसपास? नहीं आस पास में हम लोगों को नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हम क्यों हमें दिया? फिर भी बीजेपी को वोट क्यों देते हो, मतलब मन क्यों है आपका? ये कि भाई हमने शुरू से देते चले आए, परिवार से खानदान से चले आ रहे देते हुए, इसीलिए हम इसी को देते, बीजेपी को देते। आपके आप क्या दिखा रही है? नहीं मैं तो नहीं, वो तो हॉस्पिटल। अच्छा, कौन सरकार कौन सी अच्छी लगी? मोदी की सरकार अच्छी है। मोदी ने योगी की, योगी है ना योगी, मोदी की वजह से तो योगी आया है ना, ये भी तो है। अच्छा मोदी की वजह से योगी और क्या?
काम अच्छा कौन सा लगा तुम्हें? उसने सारे ही काम अच्छे किए हैं। पहले हमेशा लेडीज पीछे रहती थी, लेकिन आज पहले हमेशा लेडीज आगे रहती है। सब चीज है वो लेडीज की ही आगे है। लेडीजों को आगे बढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने क्या कर दिया था? लेडीजों के पीछे गुंडे दौड़ा दिए थे। अखिलेश यादव ने अच्छा काम कर दिया था कि लेडीजों के पीछे गुंडे दौड़ा दिए थे। और योगी ने क्या कर दिया? उनको गोली से उड़वा के एक तरफ करा दिया। एक तरफ करवा दिया। सही बात है ये। और क्या, ये तो सच्चाई है, हर कोई जानता है इस बात के लिए। आजकल हमारी बहन बेटियां जाती है जॉब पे, सेफ है। मायावती तो कहती थी, मायावती कहाँ है आजकल? मायावती तो बेचारी अभी इंग्लैंड में बाल कटवाने गई होगी। कुल मिलाकर यहाँ पे सही चल रही है। अच्छा, आप क्या किसको देंगी वोट? लाइट की बोल रहे हैं हम तो। वैसे वोट किसको दे रही है बताओ? वोट तो मोदी को ही है। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं, मोदी को ही है। झूठ सच में? हाँ सच में। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। आपका घर कहाँ है? जे ही है घर। ये कौन लगती है आपको? मिसेस है। मिसेस है, मिसेस है। आओ इधर एक मिनट खड़े हो जाओ। सच सच बताना, दोनों मतलब काम अच्छा किसका लगा? देखो, मोदी ने तो हमारे देश के लिए ऐसा करा है, हमारे देश की जान बचाई है उसने। औरों को इसलिए जान बचाई है उसने कि हमारे देश को मजबूत करा उसने। और बाकी थोड़ी महंगाई करी है जो गरीब मर गए बेचारे। बाकी ठीक है सर, बाकी सब सही है। झूठ तो ना बोल रहे सर? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे। वोट ऐसा ना हो कि अलग नहीं मोदी को ऐसा कुछ। आपका विश्वास रखो, यहाँ से लेके वहाँ तक 4-10 मोहल्ले बता रही हूँ, ये सब मोदी भाई सबके वोट जाएंगे। सारे बीजेपी को सारे खिला देते। हाँ बस, कमल कमल अच्छी लगती है बीजेपी सरकार। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन। कुल मिलाकर साफ है कि राशन मिल रहा है। लोगों से बातचीत की, महिलाएं थी, सब ने अपनी अपनी बात रखी। अच्छा, आपने कुछ बोला या नहीं बोला? अच्छा, आप अम्मा राम राम, क्या मामला लग रहा है यहाँ? सही है, मामला रखो है ना। बताओ, योगी सरकार बढ़िया है या सपा सरकार बढ़िया थी? सब बढ़िया है। मुझे योगी की बताओ, योगी कैसा है? योगी कैसा है? जो हम तो अपनी बोले, इंसान से नल बंद है, 30,000 रुपया भेज दिया कंटूमेंट ने, अब कहाँ से भरे? बच्चों की स्कूल की फीस माफ करवाओ, स्कूल खुलवाओ, बच्चों की सारी पढ़ाई, जिंदगी खराब हो जा रही है। अभी थोड़ा कोरोना चल रहा है ना, बता रहे जिंदगी भर चलेगा तो बच्चे घर बैठ रहेंगे, गरीबों के बच्चे घर में बंद रहेंगे क्या? तुम्हारा कहने का मतलब है मोदी जी जो है स्कूल खुलवाए? हाँ, स्कूल खुल। आप बताओ क्या कह रही हो? पानी 3 साल नल नहीं आए, बंद हो गई इनका। पानी वानी आ गए ना अब तो? दूसरा ना पहले से ठीक आता पानी से बंद का 30,000 रुपए कंटेनमेंट ने भेज दिया, कहाँ से भरे हैं? काम मुझे, अब मुझे ये बता दो, अब मुझे लास्ट बता दो। हाँ। मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, काम कितना हुआ है? सच में काम हुआ है बीजेपी में? नहीं हुआ भाई, काम तो सही है रे। अच्छा काम तो करो, कितनी भी बात कर रहे हैं, किराए बढ़ा रहे हैं और अब बंधन के पैसे दे रहे हैं, कहाँ से दे? में पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ से पानी बाहर से भर। लेकिन चोरी डकैती बंद हो गई? यहाँ देखती तो होंगी, सुनती तो होंगी आपके भैया उसे कुंडल छीन लिए, अब तो ना छीनते। पहले तो छीनते थे ना कुंडल। मोदी तो कुल मिलाकर साफ है, यहाँ से जो ये लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, सबसे बातचीत की। और यहाँ पर जो माहौल है वो बीजेपी का, कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई है, कुछ थोड़ी सी डगमाई हुई है स्थानीय लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आवाज है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि इनकी जो आवाज है वो नतीजों में 10 तारीख को क्या कुछ कहती है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ वेदेश्वर उपाध्याय, आगरा।